करा दिया पार्टी, वो बोल रहा है साइन किया पेपर पे उल्टा पुल्टा। क्या है विषय के? जो मेरा क्लाइंट है एडवोकेट, तो अभी ये लोगों ने ये दुकान में सोना बेचने के लिए, उसमें गोल्ड बेचने के लिए, तो ये लोगों को बोला दोबारा सुबह आ जाओ, मॉर्निंग आ जाओ, पैसा दे दो। तो उसके बाद सुबह आया तो उसको बोला शाम को आ जाओ, मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में आया तो लोग बोलने बोला तुम्हारा गोल्ड कोटा है, इनका कुछ खिलाफ है तो पुलिस एक्शन लेगी, पुलिस से कंप्लेन करेगी, उसके बाद कोर्ट में उनको आना चाहिए। ये डायरेक्ट आके हमारे व्यापारी को धरा धमका के वकील अपना, ये खुद इनका दुकान है, पीएनआर ज्वेलर्स प्रसन्नजीत राउत इनका नाम है, पीएनआर ज्वेलर्स इनका गालानगर में दुकान है, भाजी मार्केट में। ये दुकानदार को आके सुबह से धमकी दे रहा, 6 महीने से उसको परेशान कर रहा, कोटा है या सोना है, तो जिसका रहेगा उसी को बुलाया। तो ये भाई साहब खुद आके वकील अपना अपने आपको बता के यहाँ से सोना रिकवरी करना चाहते हैं और दुकानदार का पैसा नहीं देना चाहते, इसके लिए खिलाफ ये अभी हमने आपको बुलाया है इधर। सही के साथ दुकानदार के साथ गलत नहीं होना चाहिए, सोना नकली है। 6 महीने पहले इनका रिपोर्ट निकाल के इनके हाथ में दिया था, ये भाग गए। सर ये देखिए रिपोर्ट इनका, सोने का रिपोर्ट क्या बता रहा है? ये 0 कैरेट 0 रिपोर्ट 87 सेटिंग में निकाला इन्होंने। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चैनल मधून मी दीपक कोटेकर आणि यावेळेला मी उपस्थित आहे आचोले पोलीस स्थानकाजवळ। या ठिकाणी एक अनोखा असा गुन्हा दाखल झालेला आहे आचोले पोलीस स्थानकात। एक वकील आहे आणि तो वकील अक्षरशः दलाली करायचं काम करतोय, आणि ज्या वेळेला त्या वकिलाला आपण विचारायचा प्रयत्न केला तेव्हा वकिलाने आपल्याला सुद्धा धमकी दिलेली आहे। जाणून घ्या सगळं सगळं नेमकं काय प्रकार। आणि या ठिकाणी जी सगळी गर्दी आपल्याला दिसते, हे सगळे जे आहेत हे ज्वेलर्स आहेत आणि हे व्यापारी असोसिएशन म्हणजे ज्वेलर्स सोनार आहेत सगळे, हे जे आहेत हे सगळे सोनार आहेत। जाणून घेऊया नेमकं सगळा काय प्रकार आहे, काय घडलं होतं। एक व्यक्ती यांच्याकडे बनावट सोना घेऊन आला होता आणि ज्यावेळी यांना कळलं की ते सोना बनावट आहे त्यावेळी यांनी त्या सदर व्यक्तीला बोलवला। तो व्यक्ती अचानक गायब झाला, 6 महिन्यानंतर परत आला आणि अचानक सांगतो की मला चैन द्या। यांच्याकडनं ती चैन छिनून घेतली, अखेरीस यांनी पोलिसात धाव घेतली। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम गोपाल सिंह चौहान है। और मेरे क्या हुआ, क्या हुआ था ये? 4-5 महीने पहले आए थे दो चेन बेचने के लिए, वो चेन फर्जी था, वो डुप्लीकेट था। हमने रिपोर्ट निकाली उसकी, उसको बताया कि चेन आपका फर्जी है, आपको एसोसिएशन में चलना पड़ेगा। तो एसोसिएशन का नाम सुनते ही वो भाग गए उधर से, और 3-4 बार मैंने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की उनसे, 3-4 बार मैंने, आपको दोनों साथ में आओ और आपका चेन लेके जाओ हमारे एसोसिएशन में, ये मैटर सोल्व करो, अकेले को नहीं मिलेगी चेन, आपको दोनों को साथ में आना पड़ेगा। और फिर 3-4 महीने आए नहीं, अभी 3 दिन पहले वकील के साथ में आए और मुझे ब्लैकमेल करने की धमकी दी उन्होंने। ये वकील का नाम बताइए मुझे जरा। पीएन प्रसन्नजीत राउत नाम है इसका। और क्या करता है वकील? क्या करता है ये वकील? है और ज्वेलर्स की दुकान भी है। ये ज्वेलर्स है कि वकील है? ये दोनों पता नहीं अभी वो क्या है कि वो खुद को वकील बताता है वो, अब उसका वो चेक करना पड़ेगा एक्चुअल में। और सबको ज्वेलर्स वालों को ब्लैकमेल करने का काम करता है, सबको धमकी देता है कि आप ऐसे हो आप ऐसे हो, गलती सबको धमकी देता है। पहले भी कर चुका है वो, काफी केस आए उसके। फिर हम लोगों ने सोचा इसको अभी आगे बोलना पड़ेगा, हमको आगे केस आगे लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो सबको परेशानी होगी, हर आदमी को ब्लैकमेल करने की कोशिश। कितने जन को उसने ब्लैकमेल? कम से कम मेरी नजर में 5 से 6 जन अभी मेरे दिमाग में है। मतलब धमकी देता है, मैं वकील हूं, आपके ऊपर झूठा केस दाखिल। 5-6 जनों से वसूल भी कर चुका है वो, तो उनका भी आगे आएगा, रिकॉर्ड आएगा। हमसे दुकान में आके छीना छपटी किया उन्होंने और फर्जी रिपोर्ट निकाल के लेके आया, फर्जी रिपोर्ट निकाल के आया और हमको डुप्लीकेट चेन को सही साबित करने की साबित कोशिश की उसने, सही साबित करने की कोशिश की। उसमें वकील भी है, 2 ग्राहक भी है और जिसको रिपोर्ट निकाला वो भी है, तो रिपोर्ट निकाला वो भी है। मतलब इनको एक गिरोह है जो आप लोगों को नकली सोना देता है, आपसे पैसे ऐंठते हैं। मुझे लग रहा है वकील शामिल है, वकील खुद ही चेन बेचते आगे ग्राहक को लेके बेचता है और फिर फंसाने की धमकी देके ब्लैकमेल करता है। और इनका ये काम है, मुझे भी 2-3 बार फोन आ चुका है, क्या क्या सेटिंग करो, पैसा सेटिंग करो, पैसा दो मुझे। मैंने उनको बना, मैं अपने एसोसिएशन में बात किया, एसोसिएशन वालों बोले घबराने की जरूरत नहीं है कि फर्जी केस है। और फिर उन्होंने फिर दुकान पर मुझे धमकी देने की कोशिश की, 1,90,000 रुपया निकालो नहीं तो केस आपका पुलिस में जाएगा, हो जाएगा, वो आपके नाम बदनामी कर दोगे, वो सब केस हुआ था। और मैंने उनका डरा नहीं, महसूस नहीं हमारे साथ में था, मैं डरा नहीं, पुलिस चौकी में आज कंप्लीट किया उसका, FIR किया मैंने PN राउत के खिलाफ, पंकज मिश्रा और एक रमेश मिश्रा उनके खिलाफ कंप्लेंट दिया मैंने, FIR दर्ज किया है। ठीक है, उससे ग्राहक वही ग्राहक बना के बेचता है, डुप्लीकेट चेनों का बिजनेस कर रहा है, हमको ब्लैक कलर। ऐसे कितने जन के साथ किया? अभी आपके साथ कौन है ऐसा जिनके साथ किया है? आप मतलब ये जो वकील है खुद को वकील बताता है, ऐसा जो मामला है नाला सपारा में तकरीबन 50 से 60 दुकानों में ऐसा जो मामला है सामने आया है, लेकिन अभी तक जो मेन गिरोह था, मुख्य गिरोह था, जो पकड़ में नहीं आया कभी। पकड़ में नहीं आने का कारण ये है कि हमने भी ऐसा कभी चौकी और ऐसे मैटर में हम लोग नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन इनका जो क्रम था, इन्होंने बार बार जो है हमारे व्यापारी भाई गोपाल सिंह जी चौहान साहब को बार बार धमकी दी इन्होंने,
मतलब इतना धमकी दिया कि उन्होंने बार बार फिर परेशान होकर फिर इन्होंने एसोसिएशन में बोला, एसोसिएशन में बोला कि फिर हम लोगों ने सामने साफ में होकर इस मामले की पूरी जांच की। हमको पता चला कि ये जो प्रशांतजीत राउत है ये इनको बार बार डरा रहा है और मतलब एसोसिएशन को भी धमकी दे रहा। आज जब हमने मामूली सी बात करने की कोशिश की उनसे दुकान के अंदर कैमरे के सामने, तो उन्होंने मतलब हमको बोला कि आपके ऊपर राइटिंग का केस करेगा, आप सबको फंसाएगा, 400 ग्राम फंसाएगा, इस तरह से हमको धमकी देता है बार बार। इसमें पुलिस की भूमिका क्या रही, पुलिस ने आपको कैसा सहयोग किया? पुलिस ने बाला साहब पवार साहब ने हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया और मैं मतलब दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसा पुलिस वाले मैंने आज दिन तक नहीं देखा और बहुत अच्छा उन्होंने हमारा जो है बाला साहब ने सहयोग किया। अभी अभी आपको दिलासा मिला कि सबके ऊपर, उन सबके ऊपर गुनाह दाखिल हुआ है, गिरोह पकड़ में है? हाँ हाँ, अभी हमको एक दिलासा मिला है कि हाँ जो आरोपी है, जो जो मुख्य आरोपी है, जो चैने बना के जो भेजता है ज्वेलर्स की दुकानों के अंदर, हम ये आशा करते हैं पवार साहब से कि जो मुख्य आरोपी है, जो मेन बना के भेजने वाला, वो गिरफ्तार हो, इसके साथ साथ वो भी गिरफ्तार हो। ऐसा अपन जर पाहिलं तर एकंदरीत प्रकार काय तो आपल्याला कळला असेल, हा जो व्यक्ति है प्रशांतजीत राउत करून, हा एक ऍडव्होकेट सांगतो स्वतःला, ज्यावेळेला आपल्याला या सगळ्या व्यापाऱ्यांनी बोलवला आणि आपण ज्यावेळेला घटनास्थळी पोहोचलो त्यावेळेला त्याने आपल्याला सुद्धा धमकी दिली, आपल्या चॅनलचं नाव विचारला, ठीक आहे तू जर वकील आहेस तर वकिली कर, हे सगळ्या दलालीत तू पडू नकोस, आणि जर पडत असशील तर कुठे ना कुठेतरी कायद्याच्या कचड्यात तू पण आल्याशिवाय राहणार नस, आणि कुठे ना कुठेतरी हा एक मोठा रॅकेट आहे, आणि कुठे ना कुठेतरी बाळासाहेब पवारांनी जे काम केलेलं आहे गेल्या काही दिवसांपासून, बाळासाहेब पवारांचं नाव जे आहे ते आचलन विभागामध्ये गाजते, कारण ते गुन्हेगारांना कधी पाठीशी घालत नाही, गुन्हेगारांना पकडतात आणि व्यवस्थित गुन्हा त्याच्यावरती दाखल करतात। तर हे पाण्यासारखं ठरेल की या वकिलाच्या पाठीमागे नेमकं कोणाचा हात आहे आणि हा वकील कोणाच्या जीवावर उडतो। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज वसई विरार।